इस कोटपुरा गोलीकांड मामले को लेके जो जांच सी वो जांच प्रॉपर तरीके दे नाल मुकम्मल हो चुकी है। संपर्क कर सकते ने चंडीगढ़ दे विच पहुँच के जानकारी दे सकते ने तां जो जिहड़ी नतीजे ते जिहड़ी SIT जांच पहुँची है वो कितना कितने प्रभावित ना होवे। किस करके 10 फरवरी ते 14 फरवरी दोनों दिनों दे विच उन्हां दा कहना है कि तुसी 11 बजे तो शाम 4 बजे तक उत्थे जिहड़ा पंजाब पुलिस का हैडक्वार्टर है सैक्टर 9C दे विच उत्थे जाके मिल सकदे हो, जानकारी जिहड़ी दे सकदे हो। News IT 2021 kotkapura.case@gmail.com तां इस ते वी तुसी जिहड़ा आपदी जानकारी हो भेज सकदे हो। तो असी कोटकपुरा के उस चौंक के खड़े हैं, तस्वीर तुहानू दिखावांगे। ये कोटकपुरा का उही बत्तियां का चौंक है जिथे 14 अक्टूबर 2015 इत्थे वड्डी गिणती दे विच संगत बैठी सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बेअद भी होई सी, उस दे इंसाफ लई वड्डी गिणती दे विच संगत बैठी सी। तो 14 अक्टूबर दिन चढ़दे ही इत्थे वड्डी गिणती दे विच पुलिस पहुंची ते पुलिस वल्लों उन्हां संगतां ते लाठीचार्ज किया गया, तो उन्हां संगतां नूं इत्थों खदेड़िया गया। सामने जिहड़ी तस्वीर तुहानूं मैं दिखाउण लग्गा उस जगह ते जिहड़ा सारा पूरा वड्डी गिणती दे विच इकट्ठ सीगा, उस इकट्ठ दे क्योंकि वो उत्ते सामने जिहड़ा तुसीं देख सकते हो उत्थे पंडाल लग्या होया सीगा। उस पंडाल दे विच वड्डी गिणती दे विच संगत बैठी सी। सवेरे सवेरे पहलां कुछ जिहड़े आगू सीगे उन्हां नूं इत्थों पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया गया। तो उस तों बाद इन्हां नूं खदेड़न वास्ते पानी दीआं बिछाड़ां हवाई फायर, कुछ लोग इत्थे उदों जख्मी भी होए सी। तो उस तों बाद ही जिहड़ा बहबल कलां दे विच भी एक गोली चली सी ते जिथे 2 लोकां दी मौत होई सी। तो हुण तुहानूं अज दी ताज़ा जिहड़ी जानकारी असीं इह दिंदे हां क्योंकि जिहड़ी इस कोटकपुरा बत्तियां वाले चौंक नूं लै के जेकर गल करिए तां SIT पहलां भी बनी सी ते हुण भी जिहड़ी इत्थे SIT जिहड़ी नवीं जिहड़ी बनाई गई है हाई कोर्ट वल्लों, जिहड़ा मानयोग अदालत वल्लों जिहड़ा इत्थे नवीं जिहड़ी SIT गठित की गई सी जिस दी अगवाई ADGP LK यादव वो कर रहे ने। अज एक पासे आपां गल करिए बहबल कलां दे विच जो इंसाफ मोर्चा चल रहा है उन्हां वल्लों जिहड़ा दोनों रास्तियां नूं जिहड़ा NH 53 है उसके दोनों रास्ते जिहड़े पक्के तौर पर जाम कर दिते ने। तो दूजे पासे एक नोटिस जारी किया SIT वल्लों कि इस कोटकपुरा गोलीकांड मामले नूं लैके जो जांच सी वो जांच प्रॉपर तरीके दे नाल मुकम्मल हो चुकी है। उन्हां वल्लों लोगों नूं ये सूचना दित्ती है कि अगर जे किसी कोल जानकारी है तो उन्हां दे नाल संपर्क कर सकते ने, चंडीगढ़ दे विच पहुँच के जानकारी दे सकते ने तां जो जिहड़ी नतीजे ते जिहड़ी SIT जांच पहुँची है वो कितना कितने प्रभावित ना होवे। किस करके उन्होंने वालों 2 जिहड़े दिन रखे गए ने 10 फरवरी ते 14 फरवरी दोनों दिनों दे विच उन्हां दा कहना है कि तुसी 11 बजे तो शाम 4 बजे तक उत्थे जिहड़ा पंजाब पुलिस का हैडक्वार्टर है सैक्टर 9C दे विच उत्थे जाके मिल सकदे हो, जानकारी जिहड़ी दे सकदे हो। ते नाल तुहानूं तस्वीरां राहीं असीं अपनी स्क्रीन ते एक WhatsApp दा नंबर जिहड़ा दित्ता उन्होंने वो भी दिखा रहे हैं 9876982237 ये WhatsApp दा नंबर है। इस ते भी तुसीं जानकारी जिहड़ी साझी कर सकदे हैं। ते नाल ही जिहड़ा एक उन्हां वल्लों ईमेल ID है जिहड़ी वह भी जनतक जिहड़ी की जा रही है News IT 2021 kotkapura.case@gmail.com तो इस ते भी तुसीं जिहड़ा आपदी जानकारी वह भेज सकदे हो। तो अज दी जिहड़ी अपडेट सामने जिहड़ी निकल के आई है एक पासे जिहड़ा बहबल कलां दे विच जो बेअदबी इंसाफ मोर्चा चल रहा है उस जगह पर जिहड़ा जाम कर दिता गया है नैशनल हाईवे 54 दोनों साइडां तों, ते दूजे पासे कोटकपुरा गोलीकांड मामले नूं लैके जो नव नियुक्त जिहड़ी SIT पिछले समय दे विच जिहड़ी मौजूदा सरकार वल्लों ते मानयोग हाई कोर्ट दे आर्डरां ते उन्हां दे दिशा निर्देश ते जिहड़ी बनाई गई सीगी उन्हां दी जिहड़ी अगवाई कर रहे ने ADGP LK यादव उन्हां वल्लों एक नोटिस जारी किया कि इस जांच दे प्रति क्योंकि जांच जिहड़ी बिल्कुल मुकम्मल है आखिरी पड़ाव ते है, जेकर किसी कोई जानकारी है तो उन्हां दे नाल सांझी कर सकदा है।
क्योंकि उन्हों का यह मनना है कि कित ना कि जी जाँच है ये प्रभावित ना हो। उन्होंने वट्सअप नंबर भी जोड़ा जारी किया, ईमेल भी जी जारी की है। तो नाल ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के उन्होंने दफ्तर के पहुँच के तुम जी अपनी हर किस्म की जी जानकारी दे सकते हो। दो दिन रखे गए हैं 10 फरवरी तो 14 फरवरी 11 तो शाम 4 बजे जाके उत्थे तुसी अपनी जी जानकारी साझी कर सकते हो। गुरजीत सिंह रमाणा D5 चैनल पंजाबी कोटकपुरा जिला फरीदकोट। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबस्क्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दस्सांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक।